Hi kids, this is Arnup Murmanna and you are watching Smart Kids Art. Let's learn with fun. Children, आइए आज हम लोग ड्रॉ करते हैं विद्या की देवी सरस्वती माता की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सितार की ड्रॉइंग। बहुत ही आसान होगा ड्रॉइंग, तो आइए मेरे साथ उठाइए पेंसिल और मार्कर और शुरू करें ड्रॉइंग। तो सबसे पहले एक स्केल लेके ऐसे बैठाएं और एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करें। बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखते रहें ताकि आपको बिल्कुल आसान लगे ड्रॉइंग। उसके ठीक नीचे थोड़ा सा दूरी में और एक ऐसे स्लैंटिंग लाइन बनाएं। दोनों लाइन बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, कहीं कम डिस्टेंस कहीं ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ एक लाइन से ऐसे ज्वाइन कर दें। चिल्ड्रन, आप ऊपर में ऐसे छोटा छोटा कुछ सर्कल बनाते जाएं। हर एक सर्कल के बीच में डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। आइए यहां एक ऐसे सर्कल बना दें और नीचे ऐसे लंबा स्टिक बना दें। यहां भी और एक ऐसे सर्कल बना दें और लंबा एक बोल्ड करके स्टिक बना दें। यहां एक स्टिक बना दें, ये थोड़ा ऊपर होना चाहिए और ये थोड़ा पास में ऐसे। तो हर एक के नीचे देखिए छोटा छोटा ऐसे लाइन बना दें। यहां एक ऐसी लाइन बनाए बिल्कुल राइट साइड का लाइन की तरह। यहां एक ऐसे ओवल शेप बना दे। अब चिल्ड्रन, लीजिए ब्लैक स्केच पेन और स्केल ताकि मुझे थोड़ा पतला लाइन मिले, इसलिए मैंने स्केच पेन यूज कर रहा हूं। और देखिए ऐसे पतला करके थिन लाइंस ऐसे बनाए, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल ऊपर का लाइन जैसा पैरेलल होना चाहिए। ऐसे तीन चार लाइन बना दें, बिल्कुल सेम डिस्टेंस में होना चाहिए और ऊपर का लाइन जैसा पैरेलल होना चाहिए। अब चिल्ड्रेन, स्केच पेन से यहां एक ऐसे लाइन बनाएं, बगल में और एक लाइन बनाएं, दोनों को ऐसे जोड़ दें। देखिए एक रेक्टेंगल हो जाएगा, उसके पास और एक ऐसे छोटा सा रेक्टेंगल बन गया। अब देखिए बीच में एक पॉइंट बनाएं और हर एक लाइन को लाके इसमें जोड़ दें। अब फिर से मार्कर लेके यहां से ऐसे करके एक लाइन बनाएं, ये लाके यहां लाके रोक दें। अब ये लाइन को ऐसे लाके यहां बीच में थोड़ा सा बेंड करें और यहां जोड़ दें। है ना कितना आसान। अगर ड्राइंग अच्छा लग रहा है तो जल्दी से अभी लाइक करें वीडियो को। स्केल लेके ये लाइन को ऐसे आगे बढ़ा दें, ये थोड़ा छोटा होना चाहिए। आप इसको लाइन से ऐसे जोड़ दें और यहां भी एक ऐसे लाइन बना दें, दोनों लाइन पैरेलल होना चाहिए। यहां दो ऐसे कर्व बनाएं, इसको जोड़ दें और यहां एक ऐसे बड़ा सा ओवल शेप बना दें। देखिए यहां एक ऐसे कर्व बनाएं और अंदर में कुछ ऐसे डिजाइन कर दें। अगर ऐसे आसान ड्राइंग हर दिन आप सीखना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल सिलेक्ट कर लें। देखिए यहां ऐसे एक एम जैसा लिखें और यहां पे ऐसे एक डब्ल्यू जैसा लिखें। यहां से ये लाइन को ऐसे लाके यहां जोड़ दें और यहां से ऐसे एक लाइन ले जाके
उसमें जोड़ दें। है ना कितना आसान? जल्दी से अभी कमेंट में लिखें जय माँ सरस्वती। ये लाइन को ऐसे थोड़ा बोल्ड कर दें। तो देखिए हमारे ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आइए इसको कलर करते हैं।